जो मुझे भी शिकायत है जिस पे एतराज़ भी किया जा सकता है, पहले आप लोगों ने कहा कि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगी इस्तीफ़ों की हम इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे। आपने लटकाए रखा, फिर 35 मंजूर कर लिए, फिर आज फिर 35 मंजूर कर लिए। यानी ये मजाक तो हुकूमत भी कर रही है। अगर चले पीटीआई के हवाले से आपका गिला है कि पीटीआई आपके साथ बैठ के बातचीत नहीं करना चाहती, फौरी इलेक्शन चाहती है, आपका रवैया भी संजीदा नहीं है। मिल बैठे बगैर किसी तरीके से मसाइल हल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। हमें तो पीटीआई से कोई गिला नहीं है। गिला तो उससे होता है जिससे कोई तवक्को हो या जो किसी काम करने के काबिल हो और वो काम ना करे, उससे गिला होता है। और जिसके बारे में ये यकीन हो कि इनके अंदर अहलियत ही नहीं है, काम करने की सलाहियत ही नहीं है, सूझबूझ नहीं है, उनसे क्या गिला करेंगे? अमजद खान न्याजी साहब किसी सबका प्रोग्राम का गिला कर रहे हैं, तो न्याजी साहब आपने असम्बली तोड़ी, अभी निगरान वजीर आला मुकर्रर होना है, जितने काम होने हैं वो एक प्रोसेस से होंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक सब कुछ हो। वो कह रहे हैं कि अब रोज ललकारते थे असम्बलियां तोड़े, हमने तोड़ के दिखा दी, तो हम आगे प्रोसेस चला रहे हैं ना जी। इनको बुलाया कि वजीर आला साहब तशरीफ लाए, नहीं आए, नाम भेजे, वो पार्लियामानी कमेटी को दिए हैं नाम, और उससे आगे फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे। अब इनकी बड़कें देखें, हम इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं मानेंगे। भाई जब आयन इख्तियार देता है, या तो आप वुस्सत नजरी दिखाते, वुस्सत कल्बी दिखाते, जमहूरी रवैया दिखाते, आप गवर्नर हाउस तशरीफ लेके आते। फिर आपका गिला हक बजानिब था कि जी हम गए थे, बैठे थे, बात सुनी नहीं गई। आप बैठने के लिए तैयार नहीं है, जाने के लिए तैयार नहीं है, किसी को अपने पास बुलाने के लिए तैयार नहीं है, और फिर उसके बाद ये गिला आप कर रहे हैं। जहां तक आपने कौमी असेंबली के इस्तीफों की बात की कि मंजूर कर लिए गए, मलिक साहब बहुत सारी बातों पे बहुत सारी आरा हो सकती हैं, लेकिन एक बात पे मुझे बतौर सियासी वर्कर एक पाकिस्तानी यकसुई है कि इमरान खान साहब सिवाय तकरीब के, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो चाहे वो वजीर आजम हो, आपने पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम नहीं देखा होगा जो सीधे रास्ते से असेंबली में ना आए, कि ओपोजिशन लीडर से हाथ ना मिलाना पड़े, वो गुजरा की कुर्सियों के पीछे से गुजर के आता है।